KTN Khilafat News, khabre aapki nazariya hamara. नमस्कार दर्शकों, केटीएन खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकतंत्र को बूटों तले कैसे रौंदा जाता है, वो तस्वीरें मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिखा रहा हूं। आपको बता दें कि मामला हाथरस की घटना को लेकर जुड़ा है, जिसे लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में विपक्षी दल प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और वहीं उसी कड़ी में आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने निकलते हैं, जिन्हें पुलिस लाठियों से नवाजती है, उन पर लाठियां बरसाती है, उनको पीटती है। ये तस्वीरें लोकतंत्र को कुचलने की तस्वीरें हैं, किसी की आवाज़ को दबाने की तस्वीरें हैं। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा और फिर उन्हें घसीटते हुए बस में भरकर भेज दिया। तो जिस तरह से हाथरस में मनीषा रेप कांड को लेकर पूरा देश और देश की 135 करोड़ जनता सड़कों पर उतरी हुई है, विपक्षी दल लगातार प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, ये तस्वीरें उन तमाम बातों को उजागर करती है जो कभी हिटलर के समय हुआ करता था। हिटलर की तानाशाही भी लोगों ने देखी, वो एक इतिहास था और दूसरा इतिहास आज उत्तर प्रदेश में इन तस्वीरों से देखा जा सकता है कि कैसे लोकतंत्र को बूटों तले रौंदा जा रहा है, कैसे किसी की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस बर्बरतापूर्वक कार्यकर्ताओं पर लाठी चला रही है। लखनऊ से सीधी रिपोर्ट देखिए। जिस तस्वीर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस जाते हुए उनको किस तरह से पुलिस ने रोका, उनके साथ धक्का मुक्की की, यही नहीं जो उनके साथ लोग गए थे उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। न्याय के लिए राहुल गांधी ने कहा है, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी, जुल्मी सत्ता चाहे जितना ही जुल्म क्यों ना कर ले। इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए। ये देखो मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। धीरे धीरे चलते रहो बेटा, धीरे धीरे चलते रहो। लड़कियां भैया,